अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख पाएं हमारी वीडियोस सबसे पहले। हेलो दोस्तों, नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल उषा की किरण में, और मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट ब्रजेश। दोस्तों, आज मैं आपसे जिस टॉपिक के ऊपर बात करना चाहता हूं वो टॉपिक है कि हम अपने देश के प्रति कितने जवाबदार हैं, हम अपने देश के लिए क्या कर रहे हैं, क्या हम देश से सिर्फ या सरकारों से सिर्फ डिमांड ही करते रहेंगे कि हमारे लिए ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये सिस्टम नहीं है, वो सिस्टम नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें कहकर के हम देश पे अपनी भड़ास निकालते रहेंगे या सरकार पे अपनी गुस्सा निकालते रहेंगे। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि जब से हमारा जन्म हुआ है इस देश में, इस मिट्टी में, हमने देश से सिर्फ लिया ही लिया तो है, दिया क्या है? जरा एक बार ये सवाल आप अपने मन से पूछे कि हमने अपने देश के लिए दिया क्या है। दोस्तों, हम जब बचपन में होते हैं, पढ़ते हैं, स्कूल जाते हैं, स्कूल जाकर के फिर हम बड़े होते हैं, फिर कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटीज जाते हैं, और कहीं पर जॉब करते हैं, अर्निंग के लिए अपने लिए सोर्सेज पैदा करते हैं, बिजनेस करते हैं, क्या हमने सोचा है कभी कि देश के प्रति हमारे क्या दायित्व है जिसने कि हमें स्कूल्स दिए, यूनिवर्सिटीज दी, कॉलेजेस दिए बना करके, हमने देश के लिए क्या किया? दोस्तों, अगर हम अपने देश के लिए छोटी छोटी चीजें भी ना करें तो ये देश के प्रति हमारी वादा खिलाफी है कि नहीं, बेवफाई है कि नहीं देश के प्रति? या देश के प्रति अगर मैं कहूं सीधे शब्दों में कि देश के प्रति हम कितने गद्दारी वाला काम कर देते हैं? दोस्तों, देश ने, सरकारों ने हमारे लिए अच्छे अच्छे रोड्स बनाए, हम उन रोड के रख रखाव में सरकार का हेल्प नहीं करते हैं तो वो देश के प्रति हमारी कहां वफादारी हुई? हम रोड के ऊपर अपना ट्रैक्टर निकाल के लेके चले जाते हैं जिसके पीछे हल लगे रहते हैं, एक अच्छा खासा रोड बना रहता है, प्लेन रोड बना रहता है, और हम उसके ऊपर ट्रैक्टर निकाल लेते हैं। जो लोग ट्रैक्टर निकालते हैं, मैं उनके बारे में बोल रहा हूं, तो रोड के ऊपर स्क्रैचेज आ जाते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं जिसके अंदर बारिश के दिनों में पानी इकट्ठा होता है और फिर रोड कटने लगता है, और रोड कटने से क्या होता है कि वहां पे फिर गाड़ियां चलाने वालों को प्रॉब्लम्स होती हैं। तो फिर हम अपने मन से कहते हैं कि यार ये क्या है, क्या रोड बना के रखे हैं, क्या है, क्या कर रही है देश, क्या कर रहा है हमारा सरकार, और भी बहुत सारे तमाम चीजों के लिए हम देश को दुहाई देने लगते हैं। देश की सरकारें हमारे लिए अच्छी अच्छी ट्रेन चलाती हैं जिनके अंदर अच्छे अच्छे टॉयलेट्स बनाए जाते हैं, सीट्स लगाई जाती हैं, और हम बैठे बैठे क्या करते हैं, उस सीट को एक तरफ से कुरेदना शुरू करते हैं। कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर। हम बैठे बैठे सफर तो कर ही रहे हैं ट्रेन के अंदर, और उसकी सीट को कुरेद कुरेद के उसका जो पूरा फॉर्म है उसको निकाल देते हैं कई बार, यहां वहां कचरा फैलाते हैं ट्रेन के अंदर, टॉयलेट में जाते हैं, पानी चलाना चाहिए, फ्लश चलाना चाहिए, वो नहीं चलाते हैं, बस गए और आ गए। सोचा है आपने कभी कि ये देश के प्रति वफा है या गद्दारी है? जबकि ट्रेन्स में लिखा रहता है कि राष्ट्र की संपत्ति है, हमें इसका ख्याल रखना है, हर आदमी को उसका ख्याल रखना है, हर आदमी की जवाबदारी बनती है, तभी तो हमारी ट्रेन साफ रहेंगी या मेंटेन रहेंगी, वेल मेंटेन। ये एक ट्रेन का उदाहरण है मात्र। जो लोग नौकरी पेशा है, क्या वो अपना इनकम टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को ईमानदारी से? तमाम तरीकों से बचाने की कोशिश करते हैं, लोगों ने मकान अपने खुद के बना रखे हैं, लोन ले रखा है बैंक से जो कि ऑन रिकॉर्डेड है, क्योंकि आजकल सारी चीजें ऑन रिकॉर्डेड है, पैन कार्ड कनेक्टेड है, दैट मीन सारी चीजें आपके एम्प्लॉयर से कनेक्टेड है और सारी आपसे बैंक से कनेक्टेड है, लेकिन फिर भी लोग अपना रेंट का अपना एग्रीमेंट दिखा करके अपना इनकम टैक्स बचाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, जब हम अपना इनकम टैक्स नहीं देंगे या बिजनेसमैन लोग अपना इनकम टैक्स नहीं चुकाएंगे तो देश के पास पैसा कोई पेड़ तो लगा नहीं है कि जहां से आम है तोड़ लेंगे और अपना लोगों में दे देंगे। देश का विकास इसी पैसे से होता है, जो पैसा एक एम्प्लॉयर या एम्प्लॉई या बिजनेसमैन लोग जो है अपने टैक्स के रूप में देते हैं, या बहुत सारे टैक्सेस गवर्नमेंट लगाती है भिन्न भिन्न प्रकार के, इन्हीं पैसों से देश का विकास होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है। तो दोस्तों, कहने का मतलब मेरा ये है कि हम अपने देश के प्रति भी जवाबदार बने, ना कि सिर्फ हम देश से या अपनी सरकार से सिर्फ और सिर्फ शिकायती करते रहे, भाई ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, फलाना नहीं हुआ, ढिमका नहीं हुआ। हम भी देखें कि हम क्या कर रहे हैं। तो कहने का मतलब मेरा यही है दोस्तों कि ये चीज आज उस
लेवल की है कि हम अपने देश में रहकर के कम से कम इन छोटी छोटी चीजों, कहने में सुनने में बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन इन चीजों को भी अगर हम समुचित रूप से अगर करें तो ये भी एक तरह की हमारी देश सेवा ही होगी, देश के प्रति वफा होगी। क्योंकि देश तो बहुत अच्छा है, मेरे देश जैसा तो दुनिया में शायद कोई देश नहीं होगा, लेकिन क्यों ना हम जापान जैसे लोगों की तुलना अपने आप से कर सकते हैं। बातें तो करते हैं कि जापानी जैसा सिस्टम होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। क्या आपने जापान के लोगों के बारे में जानकारी रखी है? जापान में अगर कोई भी व्यक्ति, पहली बात तो ऐसा होता नहीं है, पर खुदा न खास्ता अगर किसी ने अगर कचरा रोड पर डाल दिया तो दूसरा व्यक्ति अगर रोड से गुजर रहा है ना, तो वो ये नहीं देखता कि ये कचरा इसने फैलाया है, मैं क्यों उठाऊं उसको। नहीं, उसको अगर कचरा कहीं दिखता है ना, उसको उठा करके वो प्रॉपरली डस्टबिन में डालता है। तो वहां की रोड, वहां की सिटीज, वहां के एरिया, एवरीवेयर यू कैन सी क्लीनेस्ट। हम क्या करते हैं, हम झाड़ू लगाते हैं, पड़ोसी के घर की तरफ झाड़ के इकट्ठा कर देते हैं कि हमने तो लगा दिया अपने घर का कचरा, वो जाने और उसका काम जाने। दोस्तों, अभी हाल फिलहाल के कुछ सालों से देश के अंदर बहुत अच्छी मुहिम चली है और एक अवधारणा का विकास हुआ है स्वच्छता का। जगह जगह पर आज गार्बेज कलेक्शन की गाड़ियां चल रही हैं, जो कि गवर्नमेंट आपके टैक्स के पैसे से ही चला रही है ना, जिससे कि आपके घरों का कचरा वो इकट्ठा कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं और उसको ले जाकर के वो रिसाइकल कर रहे हैं। और एक तरह से हमारे घरों की गंदगी जो है उसको वो ले जाकर के कहीं बाहर डंप करने का काम कर रहे हैं। हमें उन लोगों के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए, उन लोगों के प्रति कोऑपरेटिव रहना चाहिए जो लोग हमारा ये काम कर रहे हैं, क्योंकि वो समाज का सबसे बड़ा काम कर रहे हैं, देश के प्रति सबसे वफादारी का काम कर रहे हैं वो लोग। ये मानने वाली बात है कि वो हमारे देश की कचरा या गंदगी को उठा करके कहीं पे ऐसी जगह पे ले जा रहे हैं जहां पर रिसाइकिल करके उसका अगेन यूज किया जा सकता हो। दोस्तों, एक और उदाहरण, जैसे कि हम सिनेमा हॉल में जाते हैं, पहले जाते थे, अब तो खैर काफी इंप्रूव हो गया है। सिनेमा हॉल्स में जाते हैं, वहां की सीटों को भी हम कुरेद कुरेद के फोम निकाल देते हैं, जहां चाह वहां थूक देते हैं। पहले देखा होगा किसी जमाने में सिनेमा हॉल्स के अंदर इतनी बदबू आती थी, लेकिन आजकल तो मल्टीप्लेक्स का जमाना है तो अच्छा है सब कुछ, लेकिन हमें इसको मेंटेन करने की जरूरत है। स्कूल्स के अंदर जगह जगह पर टॉयलेट्स के बाहर, टॉयलेट के बाहर ही लोग टॉयलेट जा रहे हैं जबकि एक टॉयलेट बनाया हुआ है। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जिनको हम कर सकते हैं, लेकिन ना जाने क्यों हम इन चीजों को करने से कतराते हैं। तो हमें इन सब चीज के बारे में भी फोकस करने की जरूरत है। और कोई व्यक्ति अगर गलत कर रहा है तो उससे दादागिरी या किसी रुतबे से नहीं, बस प्यार से एक बार रिक्वेस्ट करें कि सर प्लीज आप टॉयलेट का वहां यूज कर सकते हैं, सर प्लीज ये कचरे को सर प्लीज डस्टबिन में डाल दें। तो जब आप उससे रिक्वेस्ट करेंगे ना, तो रिक्वेस्ट के बाद में तो पता है ना कि एक राक्षस व्यक्ति भी होगा ना, वो भी आपके सामने एक दया का भाव लेकर के आपकी बात से सहमत हो जाएगा। दोस्तों, किसी भी रूल को या किसी नियम को फॉलो करवाने के लिए या फॉलो करने के लिए हम लोगों की ही जवाबदारी होती है। देश और सरकार तो क्या है, नियम बनाते हैं, उनको इम्प्लीमेंट करना ना करना ये तो हमारे ऊपर है ना। इसलिए अगर हम चाहेंगे तो देश का हर अच्छे से अच्छा नियम, हर अच्छे से अच्छा रूल हम लागू कर पाएंगे, लागू करवा पाएंगे लोगों से, डंडे के दम पे नहीं, प्यार के दम से। तो इसमें हमें आपकी सहभागिता चाहिए, और आपकी सहभागिता यही होगी कि आप इस तरह के मैसेजेस आप भी लोगों को दें। मेरा भी एक प्रयास है कि मैं अपने ऊषा की किरण चैनल के माध्यम से आप लोगों से जुड़ने की कोशिश कर रहा हूं, और उम्मीद करता हूं शायद इस मेरे वीडियो को या इस मैसेज को दुनिया के तमाम लोग देखेंगे और अपने लोगों को भी बताएंगे। तो आज मेरा मकसद यही था कि देश के प्रति वफादारी करें, देश के प्रति वफादारी ही करें, सिर्फ बेवफाई कदापि ना करें, क्योंकि इस मिट्टी में हमने जन्म लिया है और एक दिन इस मिट्टी में ही हमें मिल जाना है। देश प्रेम वो नहीं होता दोस्तों कि हम सीमा पे जाकर ही लड़ाई करें, वही देश प्रेम होगा। वो लोग तो कर रहे हैं अपना काम, हमारी सेना है वो काम कर रही है, लेकिन हम देश के अंदर रह करके एक सेना की तरह काम कर सकते हैं। सेना कौन सी सेना? वो सेना नहीं डंडे वाली सेना, ये वाली प्यार से, सद्भाव से हम लोगों के साथ मिलकर के इन छोटी छोटी चीजों को सुधार करने की अग्रसर कर सके और खुद भी ऐसा करें, ये भी एक देश प्रेम का ही काम होगा, देश की सेवा होगी। दोस्तों, अगर देश से प्यार है तो ये काम आपको जरूर करना चाहिए। मैं तो यहां तक कहूंगा दोस्तों कि आप चाहे दुनिया में भले ही किसी से भी बेवफाई कर लेना, लेकिन देश से कभी मत करना, क्योंकि ये देश है तो हम हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मेरा यही मकसद था, यही मैसेज था आप सभी को देने के लिए।
आपके अगर कोई सजेशंस हैं तो प्लीज मुझे बताइएगा, और अगर हो सके तो इसको अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। उषा की किरण चैनल के साथ में जुड़े रहिएगा ताकि मैं आपको इसी तरह के इनोवेटिव वीडियोस देता रहूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।